मेरा शरीर हो गया वृद्ध, अन्यथा कोई चिंता थी। यह काल सभी पल में होते, जब मेरी तरुण अवस्था थी। बलि को छलने जब प्रभु ने वृद्ध बामन रूप बनाया था, तब चक्कर इस भूमंडल पर मैंने अतिशीघ्र लगाया था। दो घड़ी मात्र में तीन बार मैंने दुनिया नापी सारी। जो जल सिंधु पार करना है, अब तो है इनको की बारी। यदि आज मैं इतना काम हुआ तो मर जाना ही अच्छा होगा। देखूं तो आज कौन सचमुच सच्चा अयोध्या है और बाका है। इसलिए उदयपुर जयपाले यह अंगन बालक जाएगा। खटका है बस यही के जानने को तो मैं जा सकता हूँ, पर यहाँ लौटकर वापिस मैं कभी नहीं आ सकता हूँ। कारण यह है कि जाने में जगदम्बा सन्मुख आएगी। जब वापिस लौटूंगा तब वे पीछे को हो जाएंगी। बस बस यही एक चाहत है। अब बोलो मैं क्या कार्य करूं। यदि कोई नहीं जा रहा तो मैं लंकापुर में प्रस्थान करूं। तुम्हारा है सचमुच सच्चे वीरों का बाल अवस्था में असाहत निश्चय ही अति वीरों का। लेकिन तुम अभी अधूरे हो, इसलिए नया आशा दूंगा। जो भली भांति कर सकता है उससे ही यह सेवा दूंगा। हे राम दूत गुरुदेव धन, अपने स्वरूप को पहचानो। जिस बल को तुमने पाया है पृथ्वी पर सूर्य समाया है। तुमने ही सूर्यदेव को ग्रास देवों का मान बताया है। तुम पवन पुष्प हो, तुम कारण बल तीर्ण दूजा है। यह काम तुम्हारे लायक है, तुम का बल तीर्ण दूजा है। इसलिए उठो मत देर करो, महिलाई का एक काम करो। हम सबको आनंदित कर भूतल पर फिर से नाम करो। आवश्यकता हो तो रावण को थोड़ा सा बल दिखला देना।